हमारे घर में होली और दीपावली दो ऐसे पर्व हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इन दोनों महापर्वों में तमाम सनातनी भाई बहन जीवन की नाना प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। माघ मास की पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के समय कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर हम विधि विधान से कर लें तो हमें अपने अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। जैसे अर्थ की समस्या अगर है तो अपने दोनों हाथों में ऐसे हाथ कर लें, इसमें शक्कर भरें और जहां होलिका जल रही है उसकी एक परिक्रमा करते हुए उसको उसमें डाल दें। दूसरा उपाय, होलिका दहन की राख ले आए, उसको छान कर एक पीले कपड़े की पोटली बनाकर धन के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। किसी अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए सूखे नारियल का गोला लाएं, उसे बीज से काट दें, उसमें गुड़ और घी रख के उसको बंद कर दें और होलिका दहन में अर्पित कर दें। ऐसा करने से मन इच्छित कार्य की सिद्धि होती है। अगर तंत्र अभिचार से पीड़ित हैं तो 11 लौंग के फूल बाएं हाथ पे रखें और इन तीन उंगलियों से एक लौंग का फूल उठाएं, एक बार सीधा और एक बार उल्टा घुमाकर उसे होलिका दहन में अर्पित कर दें। ऐसा आपको 11 बार करना है और जब 11 लौंग के फूल होलिका दहन में अर्पित हो जाएं, तो अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार सीधा घूमें और एक बार उल्टा घूमें। ये हो गया सीधा घूमना और ये हो गया उल्टा घूमना। इस तरह परिक्रमा कर होलिका को प्रणाम कर अपने घर से ले जाएं। इससे तंत्र अभिचार किए कराए से तत्क्षण मुक्ति मिल जाती है। न्यायालय में अगर कोई विवाद चल रहा है, निर्णय नहीं आ रहा है, तो उसके लिए चाहिए 11 लकड़ी के टुकड़े एक ही आकार के हों। मोटाई पतलाई का कोई भेद नहीं है, लेकिन उनकी लंबाई एक साइज की हो। अपने दाहिने हाथ में 11 लकड़ी के टुकड़े रखें और होलिका जहां दहन हो रहा है उसकी 5 परिक्रमा करते हुए 11 लकड़ी एक साथ डाल दें और अपने घर चले जाएं। जगतपति की कृपा से शीघ्र ही न्यायालय का निर्णय आपके पक्ष में होगा। होली का यह पर्व सभी सनातनी भाई बहनों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो, मंगलमयी हो, हम ऐसी कामना करते हैं। जय सियाराम।